गठबंधन के सम्मान में बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वजन के सर्वजन समाज के सम्मान में, सर्वजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। सर तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। सर्वजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। सर्वजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। बहन जी आप श्री कांसी राम जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। सभी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 सर्वजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। सर्वजन समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे आपके बीच में आ चुकी हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग माननीय बहन जी का तालियां बजाकर स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं चाहूंगा हमारे बहुजन समाज पार्टी के कानपुर मंडल के सभी मुख्य सेक्टर प्रभारी, आप सभी लोग कानपुर मंडल की ओर से आप लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी को चुनाव पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी भेंट कर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान करने का कष्ट करें। अब मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी से विनम्र निवेदन करूंगा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी विशाल जनसमूह को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय बहन, चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना
नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के कानपुर मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहां भारी संख्या में यहां लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूं। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इसके साथ ही यहाँ सन 2017 फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आप लोग वर्तमान में भाजपा के चले गए जातिवादी संकीर्ण अहंकारी वे तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहां सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस बीजेपी सपा वे अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहां सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहां उत्तर प्रदेश की भी सत्ता से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहां दलित आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी दे रही है और अभी भी जिस कारण ही केंद्र ले रही है उस पार्टी सरकार ने इन वर्गों के मुखिया भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके आदर सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के
वे अन्य और मानों में भी इस पार्टी की सच्चाई चाहिए है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है और न ही इनको किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ करने का याद आता है। इसके साथ ही न ही इनको अपने अन्य और वायदे भी पूरे करने के लिए याद आते हैं। इस मामले में यही हाल हमें यहाँ अन्य विरोधी पार्टियों का भी देखने के लिए मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख करना यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए जरूरी समझती हूँ, जो इस प्रकार से है। श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार में प्रदेश में SC/ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया था, जिसकी व्यवस्था पहली बार BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना खत्म कर दी। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया। संत रविदास नगर का भी नाम बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया। भीम नगर का नाम बदलकर संबल कर दिया तथा ऐसे कई और जिलों के भी नाम सपा सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर बदल दिए। छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कर दिया। माननीय श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय बादा का नाम बदल दिया गया। माननीय कोर्ट के निर्णय के आड़ में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन कर दिया गया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति को रोकने का काम किया गया। माननीय श्री कांशीराम जी अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम भी बदल दिया गया। लखनऊ के गोमती नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क जो BSP की सरकार में बनाया गया था उसका नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। सरकारी भूमि आवंटन में SC/ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया गया। SC/ST की भूमि खरीदने को लेकर नया संशोधन लेकर आए, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन खरीद सकता था, जिससे इन कमजोर वर्गों की जमीन को हथियाया जा सके। इस प्रकार से सपा व श्री अखिलेश यादव का दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों
तथा इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनका ऐसा है ये प्रेम, जिन्हें मद्देनजर रखते हुए अब इन वर्गों को इस चुनाव में ऐसी समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो इन मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे सपा द्वारा बीजेपी सरकार की भी दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनकी भी जातिवादी मानसिकता साफ झलक है। इसलिए इस चुनाव में सपा के साथ साथ बीजेपी को भी हमें सरकार में लाने से, सत्ता में आने से जरूर देखना होगा। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहां जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। अपराध भी काफी ज्यादा बड़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया गया है। इसके अलावा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य निर्णय फैसलों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इन वर्गों के लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से प्रबुद्ध वर्ग भी और प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनके गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। खासकर चुनाव घोषित होने से पहले तो डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस आदि की आए दिन बड़ी कीमतों ने भी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं, और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर उनको इस सरकार में भी पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो
इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यह प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासन काल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार भी सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। और खास तौर से मैं बेरोजगार नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि जब चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो आप लोगों को बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के साधन मिले, लेकिन उसके बाद से आप लोगों की उपेक्षा की गई है। और जब बीएसपी की सरकार बन जाएगी तो बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन जरूर दिए जाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके अलावा बीएसपी की सरकार में ही दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही किसानों की भी किसी भी मामले में किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके कानपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा। मेरी सरकार में उन्नाव की तरह हमारे दलित वर्ग की बहन बेटियों को तो दो दो महीने उनकी हत्या करके गड्ढों में नहीं गाड़ने दिया जाएगा, जैसे उन्नाव में आप लोगों को ये घटना देखने के लिए मिली है। तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में कई प्रदेश की जेलें ऐसे लोगों से भर दी गई है, केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही जेल की सलाखों के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में
खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मामला भी शामिल है, क्योंकि हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है। इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे भी आप लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा आम चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे तो वो गलत ही साबित हुए थे, और इस बार भी आप लोगों को गलत साबित करना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज्यादा सफल नहीं हो पा रही हैं। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से यूपी में बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही व समय से अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका भी पार्टी के हर पोलिंग बूथ की कमेटी को विशेष ध्यान रखना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरी बीएसपी के लोगों से यही अपील है कि पार्टी ने यहाँ के कानपुर मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को
चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है। और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी अपनी अपनी मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है। और तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सपना सही साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के इस अपार जोश को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार जो यूपी में विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, अपनी पार्टी को जरूर सत्ता में लाएंगे और अपनी बहन जी को पांचवी बार यूपी का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने के पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। जय भीम, जय भारत। सारा तुम्हें सब का खाया।